प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए थे वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं विथ आंसर हैं, यानी कि जो मॉडल आंसर कीज ये निकालते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर है जनरल नॉलेज का, जीके, जो कि आपको आना है, ठीक है। तो जीके से रिलेटेड बुक मैंने बुक्स की वीडियो में दिए, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित दो राज्य, टू स्टेट लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको ऑप्शन है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है और यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है वो है छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ मध्य प्रदेश वॉज गिवन टू द स्टेट बाय, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था, मतलब कौन था जिसने मध्य प्रदेश का नाम दिया था, तो महात्मा गांधी, पेशावजी राव, जवाहरलाल नेहरू और ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन आने हैं, तो चार ऑप्शन दिए थे इन्होंने और इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, मॉडल आंसर की है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, विच नेशनल पार्क हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ बंगाल टाइगर नोन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत आपका जीके भी आएगा, जो कि मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है इन्होंने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं, ठीक है, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, चंबल, ठीक है। तो ये सारी मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर इनका ऑप्शन है नर्मदा, मतलब करेक्ट आंसर जो मॉडल की आंसर निकाला था उसके हिसाब से नर्मदा। द स्टेट सिंबल ऑफ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है, ठीक है। तो आप राजकीय प्रतीक हो, राजकीय फूल है, राजकीय पेड़, ये सब भी तैयार करके जाए, मतलब मध्य प्रदेश का तो आपको पूरी तरह से तैयार करना ही है क्या प्रतीक है, यानी कि क्या सिंबल है यहाँ पर, ठीक है। तो एक चौकोर में बाघ है या व्रत में साल का पेड़ है, एक व्रत में बरगद का पेड़ है या फिर एक चौकोर में बरगद का पेड़ है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का लोगो, जैसे आप देखेंगे कि एक सर्कल रहता है और उसके अंदर एक बरगद का पेड़ बना रहता है, ठीक है, मतलब सर्कल विथ अ बनियन ट्री। नेक्स्ट है कि किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है, किन, आपको ये बताना किन से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, रतलाम और उज्जैन, साहेबपुर और राजगढ़, भोपाल और जबलपुर, इंदौर और बालाघाट, यहाँ पर इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है इंदौर और बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय मानक मध्यान्ह यानी कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज क्या है, ठीक है, भारतीय मानक समय या मध्यान्ह जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 8/1/2 पूर्वी देशांतर, 6/1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 6/1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, आपको आइडिया देंगे कि आपको किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं, बिकॉज 15 फेब एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, और आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पर आंसर है 8/1/2 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजना की कुल संख्या, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व है या फिर जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं एमपी में, वो भी आप अच्छे से तैयार करिए। मैंने पहले भी बताया कि जितने भी पार्क से रिलेटेड हैं जो भी योजनाएं हैं वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश दैट आर डिक्लेयर्ड एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व आर 5, 7, 9 और 25, ठीक है, यहाँ पर इनका करेक्ट आंसर है 5। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आंसर है वो मॉडल आंसर जो निकालता है एमबीबी, ठीक है, वो है। आपको टॉपिक पे ध्यान देना कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज द होशंगाबाद, निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में है, चंबल, बोरी वन्य जीव अभयारण्य, डिंडोरी या फिर बांधवगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, इनके इन्होंने आंसर दिया है बोरी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभयारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, देखिए जो
यहाँ पर आपको ये भी मतलब इस तरह का ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर, ठीक है, ये जो है तो ये ग्रेट इंडियन जो वस्त्र है संरक्षण के लिए जाना जाता है कौन, कान्हा, घाटीगा, चंबल या घड़ियाल। ठीक है, तो जो घाटी गांव है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला है पार्क से रिलेटेड और जो आपका वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, यानी कि कौन से जानवर कहाँ पाया जाता है, कहाँ किसका संरक्षण किया जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा या फिर चंबल, संजय सागर या सरदारपुर, तो है आपका कान्हा है। ठीक है, कान्हा किस लिए। नेक्स्ट है डॉल्फिन अभयारण्य किन नदियों में पाई जाती है। देखिए डॉल्फिन जो है किन नदियों में अभी इनका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है, चंबल, घड़ियाल, सरदारपुर, शिवपुरी, तो जो चंबल नदी है ना वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है सागवान और साल, मतलब सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये पेड़ कैसे होते हैं, सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधर या अल्पाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है इनका पर्णपाती। घड़ियालों का प्रजनन स्थल है कौन से अभयारण्य में, ठीक है, सोन, कान्हा, घाटी गांव या फिर कुआरी। यहाँ पर इन्होंने आंसर किया है, मतलब मोल्टा आंसर की में है सोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर है जहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ आपका दिया हुआ है अफीम का प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाता है, शिवपुरी में, मंदसौर में, श्योपुर या फिर सीधी में, तो यहाँ पर है इनका आंसर मंदसौर। क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां किस नदी में पाई जाती हैं, चंबल, सोन, जामनी या फिर कुवारी। आंसर यहाँ पे मतलब इनका मॉडल आंसर की है सोन। नेक्स्ट है चंबल, जामनी और कुंवर इस नदी के द्रोणी का एक हिस्सा गंगा, नर्मदा, यमुना और चंबल, तो यहाँ पर आंसर है गंगा। ठीक है, इनका मॉडल आंसर जो इन्होंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश है और यहीं पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपका, तो इनका कहना है कि इन दोनों की जो सीमा जो नदी है वो कौन है, जामनी है, चंबल है, बेतवा, गंभीर है। मेरे हिसाब से बेतवा होनी चाहिए, बाकी देखते हैं आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर है जामनी नदी। कुंवारी क्या है, सिंधु की सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी, चंबल नदी का एक भाग है, ग्वालियर में मानव निर्मित नहर, तो सिंधु की एक सहायक नदी। ठीक है, तो नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए, कौन सी नदी है, कितनी लंबाई है, देखिए क्वेश्चन भी आके नर्मदा नदी का औसत लंबाई। ठीक है, तो नदियों की लंबाई भी आ सकती है, सबसे लंबी नदी कौन सी है या इस नदी की सहायक नदी कौन सी है, क्योंकि एमपी जीके में वो कुछ भी दे सकते हैं, 1300। तो नर्मदा नदी की औसत लंबाई है, औसत लंबाई एमपी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ 1300, नर्मदा की औसत लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है कपिलधारा, मंदार और दुधवारा में क्या समानता है। ठीक है, ये भी नदियाँ हैं, नदियों की ये हैं आपकी, तो सहायक नदियाँ हैं कि सभी ज्वरदन मुख्य हैं, सभी झरने हैं या सभी डेल्टा हैं, तो ये सभी झरने हैं नदियों के। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते जा रहे हैं अपन। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, पहली नदी तो याद रखिए नर्मदा ही है, नर्मदा, ठीक है, जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी में आती है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आना चाहिए वैसे चंबल का। ठीक है, चंबल है दूसरी सबसे बड़ी नदी एमपी की। हलाली जलाशय किस नदी पर है, उससे पहले क्या कहा जाता था, थाल, रीवा, तबा या जामनी। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है थाल। ठीक है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध, बांध से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो बांध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप तैयार करें। ठीक है, बरगी, सरदार सरोवर, तिरंगा या फिर वरना। ठीक है, तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट है एन बी पी सी एल, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, एन बी पी सी एल मतलब जो योजनाएं हैं उनके शॉर्ट फॉर्म भी आ सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। तो नर्मदा बेसिन,
प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, नर्मदा बचाव प्रोग्राम, नेशनल ब्यूरो फॉर प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर नेशनल बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आप इनमें से आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, नर्मदा बेसिन ही होगा। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य पर स्थित है। देखिए अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बता है, अब आपको ये बताना कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, एमपी में है कि गुजरात में है कि महाराष्ट्र में कि राजस्थान में है। तो आंसर इसका गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है, हलाली जो है किस जिले में स्थित है, रायसेन, बड़वानी, डिंडोरी और अशोकनगर। तो इस क्वेश्चन को देख के आप समझ गए होंगे कि कुछ जिलों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये जिला मतलब ये जो नाम है वो किस जिले में है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको इसलिए हैं कि आप देख सकें कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चन आ भी जाते हैं, हो सकता है इसमें से कई क्वेश्चन आ जाए। तो आंसर है हलाली है, रायसेन। नेक्स्ट है, बेमेल युग्म पहचाने, बेमेल मतलब आप अभी बताना, द पेयर दैट डज नॉट मैच, रीवा मंडी, हलाली रायसेन, सरदार सरोवर गुजरात में है, पगारा भोपाल में है। ठीक है, नहीं सॉरी, पगारा भोपाल। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो आपका अभी अपन ने क्या पढ़ा था, ये किस जिले में स्थित है ये, और ये भोपाल में, ये पगारा करके मतलब जिला नहीं है। ठीक है, इसलिए ये मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्गी परियोजना किस नदी पर है, वर्गी बांध, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, बहुत सारे बांधों के नाम भी आ सकते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नर्मदा, महानदी, सोन या पर चंबल, वर्गी। तो आंसर है आपका नर्मदा पर बना है, वर्गी नदी जो योजना है वो नर्मदा नदी पर है। बैंक नोट प्रेस, देखिए बैंक नोट प्रेस जो आपका है, ये एक तो बैंक नोट प्रेस है और एक अखबार छापने वाला भी प्रेस है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पर इन्होंने नाम दे दिया है। तो कहाँ पर स्थित है, सतना, जेवास, देवास और उम्मेदपुर। तो जो देवास है वहाँ पर बैंक नोट प्रेस है। आंसर इसका ये होगा, जली पैटर्न का काम किस क्षेत्र की विशेषता है, जली वर्क। ठीक है, ग्वालियर, उज्जैन, टीकमगढ़ या फिर चित्रकूट, आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, आंसर है यहाँ पर ग्वालियर। नेक्स्ट, द चीफ डेटी इन चतुर्भुज टेम्पल, चतुर्भुज मंदिर की मुख्य देवता कौन है, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम या फिर भगवान चतुर्वेदी। तो यहाँ पर आंसर दिया है मॉडल आंसर की भगवान विष्णु। बाकी इन क्वेश्चन को आप पढ़े और खुद से आंसर देखें। ठीक है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो स्थित है, देखिए सुंदर महल कहाँ पर है, मांडू, ओरछा या खजुराहो या कंदरिया। ठीक है, तो ओरछा जो है, ओरछा में काफ़ी अच्छे महल्स हैं, महल बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे सुंदर महल। अब आ जाते हैं तीज त्यौहार, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको देख के समझ जाइए, कुछ त्यौहार से रिलेटेड, कुछ महलों से रिलेटेड, कुछ घूमने फिरने की जो जगह है उससे रिलेटेड, और आपके पार्क से रिलेटेड, जिले से रिलेटेड, परियोजना से रिलेटेड। ठीक है, जैसा मैंने बताया था वीडियो में कि आपको एमपीजी के मतलब एमपी का जो भी है सब पढ़ना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली के त्यौहार को क्या कहा जाता है, देवकोथर, भगोरिया, फाग या लोकरंग। यहाँ पर दिया हुआ है भगोरिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था, मांडू में जो हुसंग शाह का मकबरा है, रीवा का कपिल दरवाजा, शाहपुर या फिर सांची स्तूप। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, मांडू में हुसंग शाह का मकबरा। ठीक है, ये आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, तानसेन संगीत समारोह एक सार्वजनिक संगीत उत्सव है, देखिए तानसेन जो है, तानसेन याद रखें ये हिस्सा, तो ये आना चाहिए आपका ग्वालियर के अंदर। ठीक है, ये ग्वालियर में है तानसेन विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर आपका आ गया ग्वालियर ही होगा। आगे चलते हैं, उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार, भगोरिया, लोटा और फाग, कुंभ मेला, जोड़ी मिलन और होली। उज्जैन का प्रसिद्ध त्यौहार कुंभ मेला, ठीक है सबको पता है प्रमुख त्यौहार है कुंभ। नेक्स्ट है, गोंड द्वार सुअर की बलि को प्रचलित रूप से कहा जाता है, लरुकज, झबुआ, हलाली, मरगी। ठीक है, तो ये कुछ अजीब से हैं, लहरू कज है यहाँ पर आंसर।
1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति। तो मध्य प्रदेश की जनजाति आप रख लीजिए, कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वो याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर है भील, गोंड, कुरकू या फिर बैगा। तो यहाँ पर है भील जाति है जो। नेक्स्ट है, आजादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था? धिमपुरा, इंदौर, रीवा, मंडला। आंसर यहाँ पे है इनका धिमपुरा, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? ग्वालियर से, ग्वालियर स्टेट यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, भोपाल के राजा भोज या फिर उज्जैन के सिंधिया कॉलेज से। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जिसे अब इंदौर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1950 से 56 के बीच पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे, पहले कौन थे, मतलब वही सब, द्वारिका प्रसाद है, रविशंकर, कैलाश नाथ कटाजू या शिवाजी। तो कैलाश नाथ कटाजू और द्वारिका प्रसाद हो या फिर रविशंकर शुक्ला, यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर खुद से ढूंढें, ठीक है। वसुंधरा राजे राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वे कहाँ, मतलब कहाँ की बेटी हैं? भोपाल की नवाब, उज्जैन के राजा, ग्वालियर के महाराजा या फिर इंदौर के पणिकर? वसुंधरा राजे ग्वालियर के महाराजा की, मॉडल आंसर, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताइए, कौन है? निखिल बनर्जी, रविशंकर उपाध्यायी या उत्साह साहिब परवेज। यहाँ पर रविशंकर हैं मध्य प्रदेश के सितार वादक। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से क्या है? कृषक है, शिकारी, योद्धा, व्यापारी और खानाबदोश। तो यहाँ पर आएगा शिकारी और योद्धा। नेक्स्ट है, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने कराई थी? चार्ल्स कोरिया ने, सर जॉन मार्शल ने, मार्शल दुरन ने, सर थॉमस रो ने। यहाँ पर आंसर है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, रीवा कुंड उज्जैन में है, इंदौर में है, चंदेरी या मांडू। अब देखिए, रीवा कुंड नाम से तो ये याद रखिए रीवा में ही होना चाहिए, तो लेकिन यह मांडू में स्थित है। नेक्स्ट है, जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि है वह पनिका, कयोबा, गोंड, भील, गुर्जर। पनिका और कयोबा जनजातियों को आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। अब है, नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाने वाला कलाकार जिसे APJ अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया था, वो कौन थे? वो थे सुमित्रा महाजन, वाजिद खान, आदित्य जोशी, मीरा कुमार, वाजिद खान, ठीक है। तो यहाँ पर है वाजिद खान। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब, ठीक है, पटौदी से तो याद आ गया होगा आपको, मंसूर अली खान, मोहम्मद अली, वाजिद अली या जहांगीर मोहम्मद खान। तो ये है मंसूर अली खान, ठीक है, पटौदी नवाब। अब है, एक मनुष्य का पृथ्वी पर 480 न्यूटन भार है, यदि उसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये हो गया आपकी ये, ठीक है। साइंस का टॉपिक आ चुका है, जनरल साइंस है। तो 1/6 पृथ्वी के भार का, 1/4 या फिर 1/3, 1/2। तो यहाँ पर है कि अगर 480 न्यूटन भार है तो यहाँ पर 1/6 पृथ्वी के भार के बराबर होगा। अब बताइए, दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का परिक्रमा करना या फिर पृथ्वी का घूर्णन, मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ या फिर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, या फिर पृथ्वी का परिक्रमण एवं घूर्णन दोनों, मतलब अर्थ घूम भी रही है और साथ में मतलब ऐसा है, अर्थ चक्कर भी लगा रही है, ठीक है, पहला। और दूसरा, अपनी जगह पे भी घूम रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अपने यहाँ पे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, क्या ये सही है? या फिर पृथ्वी का ना तो परिक्रमण है ना ही घूर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर है, दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का रोटेशन ऑफ अर्थ। तुल्यकालिक उपग्रह के लिए उपयुक्त कक्ष यानी कि द ऑर्बिट सुइटेबल, ऑर्बिट तो आप समझ गए होंगे, मतलब एक कक्षा, जैसे एक ग्रह होता है तो एक अपनी कक्षा में घूमता है, ठीक है। तो ऑर्बिट्स के बारे में बात कर रहा है, तो दीर्घवृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल, पोलर या फिर निरक्षीय, दोनों ध्रुवीय और निरक्षीय। तो यहाँ पर है इक्वेटोरियल, निरक्षीय। दो ग्रह जिनका संयोजन पृथ्वी के समान है, संयोजन मतलब टू प्लैनेट्स दैट आर सिमिलर टू द अर्थ इन कंपोजिशन आर, सिमिलरिटी है, मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और मंगल और मंगल और बृहस्पति,
तो यहाँ पर आपका होना चाहिए बुध और मंगल को बोला गया है। नेक्स्ट है मर्कुरी एंड मार्स, डैश की इकाई का प्रतीक सी डी है। सी डी किसका प्रतीक है? विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, एंगल का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि दीप्त तीव्रता, या फिर पदार्थ का परिणाम अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। ये है आपका दीप्त तीव्रता, एस आई। ठीक है, तो एस आई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। स्टैंडर्ड जो रहता है इनका कि इसकी एस आई इकाई क्या है, मान के चलिए आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान या आयतन, ठीक है, साइंस में जो होता है उनकी एस आई इकाई कितनी होती है। यहाँ पर एस आई पद्धति की मूल इकाइयाँ कितनी होती है? 3, 4, 7 या पर 6। ठीक है, यहाँ पर है इनका आंसर 7। अब चलिए 10 to the power 12 इज, 10 to the power 12 के लिए पूर्व लग्न मतलब प्रिफिक्स यूज फॉर 10 to the power 12 इज मेगा, गीगा, टेरा या पेटा। तो ये टेरा होगा, मतलब इसको कैसा लिखा है ना, 10 to the power 12 मतलब कितने शून्य है, 10 एक के पीछे 12, इसका मतलब ये है, आप याद रखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा होता है इसका मतलब होता है कि उसके, जैसे मैंने लिखा 10 to the power 12, ठीक है, मतलब उसके पीछे 12 आपके हैं शून्य। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य की इकाई क्या होती है, द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ये भी याद रखिए, इकाइयाँ आएंगी कार्य की, समय की, ठीक है, जो भी आती हैं, तो मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर आंसर है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है? तो अब यहाँ पर लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष और पारसेक, प्रकाश पारसेक। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आए, जैसे आकाश गंगा की दूरी 5.6 × 10^25 मीटर है और प्रकाश की चाल है इतनी, तो दूरी को तय करने में लगा समय। तो ये एक आध दो क्वेश्चन आ जाएंगे आपको न्यूमेरिकल वाले। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज़ होगा। वो इज द ओर ऑफ मर्कुरी, पारा यानी पारा का अयस्क कौन सा है? पारा सिंदूर, खनिज नमक, सिनवार या हेमेटाइट। तो ये जो सिनवार है ना वो है इसका अयस्क, मतलब विच इज द ओर ऑफ मर्कुरी। नेक्स्ट हो गया, रदरफोर्ड ने किस पर बमबारी करके अपने प्रयोगों से निष्कर्ष निकालकर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था? तो रदरफोर्ड तो सबको याद होगा, रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ाई है, 10th में भी था, 11th 12th। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, उन्होंने ये यहाँ से जाती हैं रेज, ठीक है, ये उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किया था, तो रेज जाके वो मतलब उन्होंने बमबारी करवाई थी। तो क्या था, सोने की पन्नी पर कैथोड की किरणों पर कराई थी, कि अल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी और जिंक सल्फाइड की बेल्जियम, या फिर अल्फा कणों की बौछार लेड की पन्नी जिस पर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था। तो उन्होंने अल्फा कणों की बौछारें कराई थी सोने की पन्नी जिस पर जिंक सल्फाइड था स्क्रीन था। ठीक है, अणु की गति में द्रव्य की कौन सी अवस्था में अधिकतम यादृच्छिकता होती है? विच ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर शोज मैक्सिमम रैंडम इन द मोशन ऑफ मॉलिकुल्स? प्लाज्मा, ठोस, गैसीय, द्रव्य। तो इन्होंने दिया था या मतलब यहाँ पर आंसर है का गैसीय। नेक्स्ट है पोटेशियम ऑक्साइड का जले विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए ये क्वेश्चन तो आपने सुना होगा, 10th क्लास में भी आपको जब प्रैक्टिकल करने दिया जाता था तो ये वाला प्रैक्टिकल तो होता ही था कि लाल लिटमस को नीला कर देना या फिर नीले को लाल कर देना। तो क्या होता है पीएच का अनुमान, इससे क्या पता चलेगा कि पोटेशियम ऑक्साइड का जले विलयन लाल को नीला कर रहा है, मतलब पीएच अनुमान हम कितना मान सकते, 6, 7, 12 और 3। तो यहाँ पर आंसर इन्होंने दिया है 12। आप वाटर का भी पीएच वैल्यू याद करिए, ठीक है, पीएच वैल्यू भी आ सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा सोषी प्रकृति की है? लेड, नाइट्रेट का विघटन, एलपीजी का जलना, ऊष्मा सोषी, ठीक है, पानी से सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करना या अमोनियम क्लोराइड का पानी में घुलना, अमोनियम क्लोराइड का पानी में घुलना। नेक्स्ट, कौन डेंटल प्रभाव दिखाता है? लवण विलयन, स्टार्च विलयन, कॉपर सल्फेट या जल में कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर? स्टार्च विलयन, इस विलयन मतलब एक सॉल्यूशन।
नेक्स्ट है वॉयल का नियम स्थिर डैश पर डैश और डैश के बीच संबंध दिखाता है। तो वॉयल का जो नियम आया था, ठीक, वॉयल नियम, दाब आयतन ताप, ताप आयतन दाब, आयतन ताप दाब, दाब ताप आयतन, तो यहाँ पर है दाब ताप आयतन। कौन सी प्रकाश रसायन का अभिक्रिया है? प्रकाश रसायन का अभिक्रिया समझ गए आप, ए टू ए जी बी आर में आप यहाँ देखा टू ए जी बी आर टू, और सी ए सी ओ थ्री में सी ए ओ और सी ओ टू बना, यहाँ पर है टू एस टू ओ में एस टू प्लस ओ टू बना, और एस सी एल ए जी एन ओ थ्री में ए जी सी एल एस एन ओ थ्री बना, तो यहाँ पर इन्हें आंसर दिया है टू ए जी प्लस बी आर टू। मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों में खिंचाव आने का क्या कारण है? ठीक है, क्या कारण है जिसकी वजह से मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों में खिंचाव आने लगता है, क्या होता है? पायरूट से एथेनॉल में परिवर्तन, पायरूट से ग्लूकोज में परिवर्तन, और पायरूट में परिवर्तन, फिर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, तो लैक्टिक अम्ल में यहाँ पर परिवर्तन आता है। नेक्स्ट, दूध से दही बनना क्या है? लैक्टोबैसिल्स है, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या फिर एक्ट्रोबैक्टर है, नाइट्रोकोमोनाइस, लैक्टोबैसिल्स है, ठीक है। और दूध से दही का बनना कौन सा है, मतलब आपने पढ़ा होगा कि भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, मतलब जैसे दूध से अगर दही बन गया, ठीक है, तो आप दही से दूध नहीं बना सकते, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसमें रस परिवर्तन हो चुका, केमिकल रिएक्शन हो चुका। लेकिन अगर आपके पास में एक बर्फ़ का क्यूब है तो आप उससे वाटर बना सकते हैं, वाटर से फिर से आप आइस क्यूब बना सकते हैं। कौन से किसका भोजन संरक्षक प्रयोग में किया जाता है? सामान्य वर्ण चीनी, सिरका, या फिर बेकिंग सोडा, ये पे बेकिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं। भोजन संरक्षक, संरक्षक का मतलब समझ गए, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। किसको संरक्षण के लिए सूर्य की रोशनी में नहीं रखते? आम, किशमिश, सेब, या फिर मछली। देखिए, सेब को ज़रूरत नहीं रहती है सूर्य में रखने की, जबकि देखिए आम को आप रखते हैं, काट के सूखो के किशमिश को भी रखते हैं, मछलियों को भी कहीं कहीं सुखा के रखा जाता है। निम्न में से कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से, विटामिन से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से? तो जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर आपको तुरंत देता है। कार्बन के प्राकृतिक रूप कौन से? कोख, कोयला, फ्लोरीन, या फिर काजल। प्राकृतिक रूप बताना है, नेचुरल, कोयला या कोख में आपको करना है ना, तो ये फ्लोरीन है, आप इन दोनों में कर सकते हैं। कोयला है इसका आपका कार्बन का प्राकृतिक रूप। खाने में वसा और लिप्टिस की प्रतिशतता होनी चाहिए 58 से 12 से 15, तो यहाँ पर आंसर है 22-50%। अपरूप समान परमाणु क्रमांक रखते हैं, निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इस तरह के क्वेश्चन आप दे सकते हैं। अपरूप समान परमाणु भार रखते हैं, भौतिक गुण रखते हैं, फिर रासायनिक गुण, तो अपरूप भौतिक गुण रखते हैं, ठीक है। ये भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है? यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन फूड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज, या फिर विटामिन। तो जो मिनरल्स हैं यहाँ पर हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, इडली और डोसे का घोल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? सनड्राइड में, फर्मेंटेड किया जाता है, पिघल्ड, या ताज़ा। देखिए, फर्मेंटेड किया जाता है। अब देखिए, आपको याद रखना है किण्वन, तो ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले आपको समझेंगे। फर्मेंटेड, फर्मेंटेड मतलब हमने उस घोल को क्या करते हैं, तुरंत नहीं बनाते, उसको रखा जाता है, रात भर के लिए रखते हैं या कुछ घंटों के लिए रखते हैं, ताकि उसमें क्या आ जाए, फर्मेंटेड हो जाए वो। नेक्स्ट है, खाद से नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक साथ मिलते हैं, ठीक है, कौन से? कैल्शियम सुपरफास्फेट, अमोनियम यूरिया, फिर अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर है अमोनियम फॉस्फेट। फिर एल्केन की विशेषता सामान्य सूत्र, ठीक है, तो कुछ सूत्र जो है, मतलब आप चाहें टाइम हो तो कर लीजिए, वरना अगर टाइम नहीं है तो आप ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन आएगा इसका, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें। CnH2n। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी की प्रतिशतता की मध्य 15-20, 20-35, 50-65 से 10, मतलब कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरी होती है वो 50 से 60%। फसल की किस्म सुधार में कौन सा प्रबंधन लाभदायक है? ज़्यादा उपज, मात्रा में सुधार, जैविक या अजैविक प्रतिरोधन, और प्रोक्त सभी, प्रोक्त सभी ही चीज़ें जरूरी हैं। समुद्री कृषि में कौन सी कृषि सम्मिलित है? स्वच्छ जल मछली,
लवणीय जल मछली कवच प्राणी या फिर लवणीय मछली कवच प्राणी, तो सभी कुछ। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? जाति की उत्पत्ति, पौधों की जाति, जंतुओं का वंश, प्राकृतिक तंत्र। ठीक है, यहाँ पर ने जाति की उत्पत्ति। उपार्जित लक्षण की वंशागत सिद्धांत के संस्थापक डार्विन, लेमार्क, मेंडल, नील नाइनेस। ठीक है, ये कुछ बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं आपके, जो मतलब जो बायोलॉजी पढ़े होंगे। फिर है कार्बनिक युग में पाए जाने वाली श्रृंखलन परिघटन, जिसमें कार्बन परमाणु चार संयोजकता दर्शाता है, बहुबंध दर्शाता है, या फिर परमाणु के साथ संयोजकता बंध, या फिर दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला वलय बनाता है। तो ये लंबी श्रृंखला वलय, तो ये कार्बन का मैं आपको बताइए, जिसे आप उसे डायमंड के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, डायमंड के बारे में 10th, 11th या 12th में, तो उसके जो कार्बन परमाणु होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। ओमेगा 3 बसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ये अंडे का पीला भाग है, मछली का है, झींगों का है और सभी पशु बसा में आता है। तो ये मछली का जो तेल होता है ना, ओमेगा जो टैबलेट्स होती हैं, या ओमेगा आप जब भी ओमेगा सुनेंगे तो एक ऐसी चीज़ है जो मछलियों में पाई जाती है, इसके अलावा कुछ और चीज़ों में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अभी आपको नॉनवेज दिए हैं तो मछली का तेल है। एक द्विसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है? परमाणु के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों का साझा, एक परमाणु द्वारा दो इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देकर साझा करना, दो इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे पर स्थानांतरण, या फिर दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होना। 39 क्वेश्चन है, पाइरूट का भंग होना कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा में कहाँ होता है? ये ऑप्शन है आपके पास में और इसका आंसर दिया है माइक्रोकांड्रिया। सोलर विकिरण किससे बना होता है? यूवी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, अपरोक्त, सभी। तो इनका है सभी। कौन सा कार्बनिक यौगिक पानी में घुलनशील है? एथेनॉल, एथीन, साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन। तो जो एथेनॉल है वो पानी में इजीली सॉल्युबल है। नाम पद्धति की द्विपद प्रणाली का मतलब क्या है? एक जीव के दो नाम, दो वैज्ञानिक द्वारा एक नाम देना, या फिर एक नाम जिसका पहला भाग वंश, दूसरा भाग जाति हो, या फिर कोई नहीं, तो एक वह भाग वंश हो, दूसरा भाग जाति हो। समताप मंडल में ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथिन, इनमें से कोई नहीं। ये दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जानते हैं आप, CF, ठीक है, CFC। हमारे शरीर का सबसे बड़ा कौन सा बड़ा अंग है? कौन सा सबसे बड़ा अंग है? यकृत, मतलब लीवर है जो सबसे बड़ा अंग है। कॉपर सल्फेट विलयन जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड हो कि विद्युत अपघटन के दौरान या फिर एनोड पर घुलता है, कैथोड पर एकत्रित होता है, या फिर कॉपर कैथोड पर घुलता है, एनोड पर एकत्रित होता है, या फिर कॉपर सल्फेट विलयन बनता है, या फिर एनोड पर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह के, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है 3-4 ऐसे टाइप के आएंगे जो शायद हो सकता है आपको ना बने। नेत्र लेंस और फोकस दूरी में परिवर्तन, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनने के लिए दूरी में परिवर्तन किसके कार्य से होता है? पुतली, या फिर आपका जो पक्षमाई मांसपेशी, आयरस या रेटिना। तो यहाँ पर है आपकी पक्षमाई मांसपेशी। शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्व बताना, मतलब कि कौन मदद करता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फैटी एसिड या फिर एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड है इम्पॉर्टेंट। एक लोलक का अंतराल निर्भर, लोलक समझ गए आप, ये जो रहता है घड़ी, जो ये जो ऐसी ऐसी होती रहती है, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से, ये लोलक कहलाती है। तो ये जिसका जो पीरियड टाइम है वो लंबाई पर डिपेंड करता है, कितनी लंबाई है उस हिसाब से वो उतना टाइम लेगा। संयुक्त नेत्र की उपस्थिति किस वर्ग का लक्षण है? मुलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोड्रमेटा, एफमिया। ठीक है, ये आंसर है आर्थ्रोपोडा। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखें, दो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। देखिए, दो समतल दर्पण हैं एक दूसरे के समांतर रखें तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर अनंत होगी, इन्फिनाइट होगी। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी ने विभाजित त्रिकोणीय जीव को आर्थोपैडा के रूप में पहचान की, इसको निश्चित करने से पहले कौन सा लक्षण की पुष्टि करेगा? क्लाइटेलम की,
या फिर काइटिनिस की उपस्थिति, पंखों की उपस्थिति, सममिति की, काइटिनिस की उपस्थिति, यहाँ पर उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। अब एक तरंग दैर्ध्य की लंबाई 4 × 10⁻⁷ मीटर, तो 7 × 10⁻⁷ मीटर दिखाई देती है परावैगनी किरणों के कारण, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश या फिर एक्सरे किरणें। तो यहाँ पर है आंसर दृश्य प्रकाश। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए बाह्य क्षेत्र में उपयोग करते भूकंप तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रत्यक्ष तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष में जो जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, वो बात करने के लिए यूज करते हैं रेडियो वेव्स का। ठीक है, एक परिपथ में विद्युत धारा बहती है उच्च विभव से निम्न, निम्न से उच्च, इलेक्ट्रॉन की दिशा में, किसी भी दिशा में, तो उच्च विभव से निम्न की ओर। कौन सा द्वितीय सेल है? डैनियल सेल, लैक लाची सेल, शुष्क सेल या सीसा संचायक सेल। तो ये सेल वाले तो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th में हैं ये। जब कारपेट की छड़ी से पीटा जाता है तो मिट्टी के कण किस कारण से बाहर निकल जाते हैं, क्या कारण है? ठीक है, आपने देखा होगा, मतलब हम कपड़ों को भी पीटते हैं जब छड़ी से, तो किस कारण से निकलते हैं? स्थिर आघूर्ण, गति आघूर्ण, दिशा आघूर्ण या फिर संवेग का संरक्षण। यहाँ पर आएगा आपका स्थिर आघूर्ण, मतलब इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कौन सा रोधीय? अम्लीय जल, समुद्री जल, सूक्ष्म बाष्पित जल या फिर क्षारीय जल। शुद्ध बाष्पित जल जो है इंसुलेटर है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर बनाई जाती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन इज बेस्ड ऑन। ठीक है, पनडुब्बी तो आप समझ गए, नहीं समझे तो ये जो पानी के अंदर जो जहाज रहते हैं, वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर जो जहाज रहते हैं वो पनडुब्बी होते हैं। किस सिद्धांत पर बनाई गई है? बर्नौली के सिद्धांत, आर्कमिडीज का, पास्कल का, फिर न्यूटन का। तो जो आर्कमिडीज का सिद्धांत था उस बेस पर ये बनाई गई है। एक पास्कल किसके बराबर होता है? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 पास्कल। ये क्वेश्चन आ गए, जैसे एक टीवी सेट 230 वोल्ट बिजली की शक्ति का उपभोग करता है, जो मुख्य सप्लाई से 230 वोल्ट से प्राप्त होता है, टीवी का सही फ्यूज क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे है 1 एम्पियर। एक बिजली का हीटर 2 किलोवाट का है और विद्युत ऊर्जा 4 रुपये प्रति किलोवाट है, तो हीटर को 3 घंटे प्रयोग करने की कीमत क्या हुई? देखिए 2 किलोवाट का है और ऊर्जा आपको देनी पड़ रहा है 4 रुपये प्रति किलोवाट, मतलब 2 किलोवाट को आपने 8 रुपये चुकाने पड़ेंगे, इसका मतलब 24 यहाँ पर आपका आंसर होगा, मतलब एक दिन के आपको 24 रुपये देने पड़ेंगे। एक लड़का सवारों का 20 मीटर पर सेकेंड की स्थिर चाल से आनंद में घूम रहा है, तो वो क्या बता रहा है? समान वेग से घूम रहा है, असमान वेग से, त्वरित से या फिर स्थिर? त्वरित गति। ठीक है, त्वरित मतलब होता है एक्सेलेटेड मोशन में एक लड़का सवार होकर 20 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से घूम रहा है। ठीक है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? चावल, बाजरा, शोरगम या चना। तो चना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। वातावरण का प्रदूषण किसके कारण है? तेज गति, शहरीकरण, वनों का कटना, वन रोपण या फिर ए और बी दोनों? ए और बी दोनों ही होंगे, प्रदूषण भी है और शहरीकरण भी है। द्रव में एक वस्तु पर उत्पालक बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? मतलब फ्लूड ऑलवेज एक्ट, ऊपर नीचे, पार्श्वास्तव में ऊपर और नीचे दोनों दिशा, ऊपर दिशा में काम करता है। ठीक है, क्या पूछा है इसने? उत्पलक। ठीक है, जो आपका वोएंट फोर्स है वो हमेशा ऊपर की ओर काम करता है। कौन सा पौधा तेल उत्पादन करता है? मशहूर सूरजमुखी, ये तो सभी समझ गए होंगे इसका आंसर, सूरजमुखी जो है वो तेल का उत्पादन करता है। वातावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? व्हाट इज मतलब द वर्ल्ड एनवायरमेंट इज डिफाइंड। ठीक है, कहाँ से आया है एनवायरमेंट? ये आया है आपका डिराइव्ड ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश या इंग्लिश, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है एनवायरमेंट। एक भार उठाने वाला 10 kg भार को अपने कंधे पर 1 मिनट तक उठाता, उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ। 100 किलोग्राम भार को अपने कंधे पर 1 मिनट तक उठा रहा है तो क्या हुआ? पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य या फिर अपरिभाषित? तो शून्य।
एक मिनट तक उठा रहा, मतलब उसने कोई कार्य ही नहीं किया है ज़्यादा। अब है देश की खाद्य समस्या को हल करने में क्या आवश्यक है, पैदावार बढ़ाना और जो खाद्यान्नों को संरक्षित मनुष्य से भोजन प्राप्त कर सके, मनुष्य के पास अनाज खरीदने के लिए धन होने, या फिर सभी सभी चीज़ें जरूरी हैं। कौन सी भूमि के निम्नीकरण में सहायता नहीं करता, पट्टीदार कृषि, चक्रीय फसल, रिज और कुंड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इनका तो इनमें से कोई नहीं है, तो फसल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। पृथ्वी किन तीन परतों से बनी है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, कोर मंडल, मेंटल पटल, ओजोन मंडल। तो ये है कोर मंडल, मेंटल और पटल। रेडियो में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा से ध्वनि, ध्वनि से विद्युत, विद्युत से यांत्रिक, या फिर यांत्रिक से ध्वनि, विद्युत से ध्वनि में। रेडियो आप समझ गए ना, जो गाना सुनने वाला, तो उसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा जो आ रही है, उसमें जो करंट आ रहा है वो वहाँ से आपको ध्वनि मिल रही है सुनने में, तो विद्युत से ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। कोर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुरक्षात्मक है, राइनोसेरस के लिए, भारतीय भैंस के लिए, बाघ या शेर के लिए, तो बाघ के लिए, ये संरक्षण के लिए है। पहाड़ों से मैदान में बहते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी, घटेगी, एक जैसी रहेगी, कम होगी, यहाँ पर है इसका कम होगी। नेक्स्ट है, खरपतवार पौधों पर प्रभाव डालती है किसके द्वारा, पौधों को उगने से पहले नष्ट करना, पौधों से उगने पर प्रभावीकरण, या फिर विभिन्न स्रोतों जो पोषण की कमी पैदा करते हैं, उपरोक्त सभी। तो विभिन्न स्रोत जो पोषण की कमी पैदा करते हैं। प्रकाश, रासायनिक, धुएं की प्रकृति, ऑक्सीकारक, अपचयी, या फिर ऑक्सीकारक और अपचयी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑक्सीकारक होती है। मिट्टी में मिलाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो उसके पोषण को बढ़ाता है वो कहलाता है कंपोस्ट खाद, उर्वरक, या वर्मी कंपोस्ट। तो हम पता ही है उर्वरक मिलाया जाता है फसलों में। तेल या ग्रीस मशीन के घूमने वाले हिस्से पर क्यों लगाई जाती है, घर्षण कम करने, घर्षण बढ़ाने, स्थित घर्षण को सर्पी घर्षण प्रेरित करने, या फिर सर्पी को, तो घर्षण कम करने के लिए हम ग्रीस या तेल डालते हैं, ठीक है। बृहत पोषक तत्व तो खाद से नहीं मिलते, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, या फिर पोटेशियम ऑक्सीजन। एक व्यक्ति 10वीं मंजिल पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़ता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 200 सीढ़ियां चढ़ने से घटेगी, बढ़ेगी, तो यहाँ पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। शब्द तो पायरो किससे जुड़ा है, पटाखे, तापमान, आग, विस्फोट। पायरो जो है वो आग से जुड़ा है। द वर्ल्ड पायरो डील्स विथ पायरो। स्थिर ताप पर हम उस दिन ठंड महसूस करते हैं जब आपेक्षिक आर्द्रता होती है, कितनी होती है, 25%। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब मतलब ऐसे आएंगे, हो सकता है किसी बुक में ना मिले। मिट्टी के घर गर्मी में ठंडे और सर्दियों में गर्म क्यों होते हैं, मिट्टी ऊष्मा का सुचालक होती है, या फिर अतिचालक, या फिर कुचालक, या फिर इसमें से कोई नहीं, मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है। सेहत की मात्रा किस पर निर्भर करती है, पशु वर्ग, फ्लोरा, कीट, या फिर बीमारी पैदा करने वाले जीव पर, पशु वर्ग पर। विज्ञान सीखने में भाग लेने की औपचारिक विधियाँ, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान गोष्ठी, या फिर कक्षा में निर्धारित पुस्तकों से सीखना, ये होगा आंसर आपका। कौन सा प्रक्रम गुरुत्वाकर्षण पर करता है, चालन, संवहन, विकिरण, या फिर इनमें से कोई, संवहन, ठीक है, कन्वेक्शन। बर्फ को पिघलने में जो ऊष्मा प्रयोग की जाती है वह विलयन ऊष्मा, उत्पाशन, उद्पातन, या फिर संघलन, संघलन की गुप्त ऊष्मा। परिवर्तन में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशात्मक होता है, द्वि बहु, या किसी स्थिति में एक दिशात्मक होता है, परितंत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में पानी 95 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो फारेनहाइट में तापमान प्रदर्शित होगा। पहाड़ी क्षेत्र में 95 सेल्सियस पर उबलता है, तो यहाँ पर 203 फारेनहाइट में तापमान प्रदर्शित तापमान होगा, उबलता है। तो शरीर द्रव्य में तैर सकता है जब उत्प्लक बल शून्य, उसके भार से ज़्यादा, उसके भार से कम, या बराबर उसके भार के बराबर हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ धार्मिक प्रथाओं को बिना प्रश्न उठाए श्रद्धा के साथ मानना, या फिर निष्कर्ष लेने के लिए प्रश्न उठाना, धर्म प्रथाओं को ना मानना, या फिर वैज्ञानिक साहित्य में उल्लेखित बातों में अंधविश्वास रखना। निष्कर्ष लेने से पहले सवाल मतलब हम पूछते हैं कि क्यों ऐसा। सुई के समान हरी पत्तियां पाई जाती हैं, फर्न, पाइन, लिर्विड, मॉस पाइन में, ठीक है। डैश मौसम तथा फर्न का एक सामान्य लक्षण है, एक प्रभावी बीजाणु, एक प्रभावी युग्मोविद, या पीढ़ियों का एकांतरण, भूमिगत प्रगणत का होना, पीढ़ियों का एकांतरण होना, तो यहाँ पर ठीक है। और आवर्त बीजों का जननांग कौन, फूल बीजाणु, यहाँ पर है आंसर फूल,
फिर है आपका प्रधानमंत्री हमारे देश में भारतीय नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई सखित रेखित तंतु कौन होती है? हृदय पेशी तंतु। ठीक है, फिर है आपका कौन सा विघटन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? ये ऑप्शन है और यहाँ पर आंसर है इसका कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। मिश्रण के संदर्भ में कौन सा सत्य है? सरल पदार्थ के रूप में अलग की जाती है या निश्चित संयोजन रखते हैं? यह समझाती हैं अपने संगठनों से अलग गुण रखते हैं या सरल रूप में अलग किए जा सकते हैं? नॉर्मलता के विषय में गलत छांटना, तापमान बढ़ने पर नॉर्मलता घटती है, नॉर्मलता बढ़ती है, मतलब विलय की द्रव्यमान, विलयन की तापमान आयतन में वृद्धि से नॉर्मलता घटती है, तनुकरण करने से नॉर्मलता बढ़ती है। तो ये इसका आंसर 100 है। क्वेश्चन, पानी के कथनांक पर पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या फिर वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है या कम होता है या फिर कथनांक वाष्प दाब पर निर्भर करता है? तो पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस जीके और आपका साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ANM जो हुआ था आपका 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ऐसे ही और भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।